करते नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अपने घर पर, उनका गृह जनपद है यहां पर, जहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको साफ दिखता कि भगवान से आस इस बार उनको जीत की है। जनता के हाथों में हालांकि उनकी तकदीर का फैसला, उनके सिराथू सीट को लेकर फैसला है, लेकिन उससे पहले आशीर्वाद बहुत जरूरी, बहुत अहम हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद कहते हैं, जो लेता है, जो दही चीनी खाता है उसका दिन शुभ होता है। और यही संकेत आज देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरों से भी दिख रहे हैं। आज उन्होंने सबसे पहले अपनी माता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनकी माता ने उन्हें दही चीनी खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और उनका दिन शुभ हो, यानी कि आज का दिन उनके लिए शुभ होना भी चाहिए सिराथू विधानसभा सीट से, क्योंकि वो प्रत्याशी है, जहां पर आज वोटिंग है, इसको लेकर आशीर्वाद दिया है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे एक एक करके। सिराथू विधानसभा सीट जो कि 1993 से लेकर 2007 तक विधानसभा सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास रही है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने इस सीट पर कब्जा किया 1993 से 2007 तक। लेकिन जैसे ही 2012 आया, बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया, उन्हें वहां से अपना कैंडिडेट बनाया और सिर्फ उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट पर जीत नहीं हासिल की, बाकी की भी सीटों पर उन्होंने यहां पर जीत हासिल की, यानी कि मंझनपुर और चायल भी जो कौशाम्बी में पड़ती हैं, उन सीट पर भी बीजेपी को जीत दिलाई, जिसका नतीजा उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाकर दिया गया। यानी कि उनकी सीट पर बीजेपी को इस बार भी भरोसा है कि सिर्फ सिराथू नहीं, उनका व्यक्तित्व जो है वो आसपास की दोनों सीटों पर, मंझनपुर पर, चायल पर भी अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। और इसी उम्मीद से एक बार फिर से प्रत्याशी 2017 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से बने हैं। तो जिस सीट पर कभी बसपा अपना राज कायम रखती थी 2007 तक, 1993 से अब उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और दोनों सीटों पर कौशाम्बी की, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कब्जा जमाए बैठी है। 17 के विधानसभा चुनाव में ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी। यार दक्षिण मुख हो जाएगा, मैं उधर नहीं करूं। निश्चित तौर से आज 27 तारीख है, आज जिस विधानसभा क्षेत्र से सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, आज यहाँ भी मतदान हो रहा है पांचवें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का पांचवा चरण है, अब केवल दो चरण बाकी हैं, 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख के बाद सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे देश के, वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की बातों पर आप विश्वास इसलिए न किया करिए कि 2014 में जो बातें उन्होंने कही वो सब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। 2017 में जो उन्होंने बातें कही वह केवल जीवों का लपा लप रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे दोनों मिल गए तब भी सपा का कहीं अता पता नहीं चला। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बात पर कोई भरोसा करे, श्री राहुल गांधी जी की कोई बात पर भरोसा करे, मायावती जी की बातों पर कोई भरोसा करे, प्रियंका मैडम की बातों पर कोई भरोसा करे, तो आप भी अपना समय खराब ना किया करें। उनकी बातों पर कभी भरोसे लायक कोई बात रही हो,
और जब कोई इस तरह की बातें करे तो उनसे पीछे पलट करके, जब 2014 में वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन के अपने दो सदस्यों के साथ 73 सांसद जीते, 2017 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कहते थे हमने अच्छे काम किए हैं, तो हम 325 विधानसभा सीटों पर जीते और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। और 2019 में सारे मिलकर के लड़े, तब भी जो गांधी परिवार अपनी राजधानी समझता था, श्री राहुल गांधी को अमेठी में हराए और कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी को हराए, और सारा जो ये अपनी जागीर समझते थे वहां कमल का फूल खिल चुका है। अब गुंडों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, अपराधियों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, माफियाओं के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, दंगों करने वाले दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, तुष्टिकरण करने वाले तुष्टिकरण के बल पर राजनीति करना चाहते हो अब वो नहीं किया जा सकता। अब एक ही रास्ता है कि जनता की जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उसके संकट के समय उसके साथ खड़ा होगा, जनता उसे अपना आशीर्वाद देगी। सर, पिछले दिनों एक रैली में बुलडोजर, चार बुलडोजर खड़े हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि मेरी रैली में तो बुलडोजर भी खड़े हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस बात का जिक्र किया, तो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। देखिए, बोली क्या बुलडोजर, मैं आपको कह रहा हूँ विपक्ष की किसी बात पर आपको इसलिए बहुत सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर हमने किसी गरीब के घर पर नहीं चलाए। जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था सत्ता की हनक में, उनको खाली कराने का काम और उसे खाली करा करके वहां पर गरीबों का मकान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 10 मार्च के बाद वह बुलडोजर हो, जेसीबी हो, वह अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलता रहेगा। चार चरणों में क्या रहा बस? चार चरणों में तो हम प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं, बाकी चरणों में भी आगे रहे। एनआई को ले लें, जो एक एनआई को ले लें, कोई बात नहीं। सर कमल, अरे एक एक दे रहे हैं ना हम आपको, 1-to-1 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आइयो उधर कर लेते, आइए आइए। सर ये कर लेते, ये फैमिली खड़ी है सर, लाइव है। सर बीजेपी के विकास को सिरा